हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू नॉटी स्टिचेस। आज की इस वीडियो में मैं जिगजैग वाली लेस का इस्तेमाल करके ट्राउज़र का एक बहुत सिंपल और सुंदर सा डिज़ाइन बना रही हूँ। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा बुकरम का टुकड़ा लिया है और इसे बीच में से फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से 0.7 इंच की दूरी पर एक सीधी लाइन हमें ड्रॉ करनी है और अब हमें यहाँ से नीचे की तरफ 1.5 इंच की दूरी पर एक निशान लगाना है। तो इस तरह से मैंने एक रेक्टेंगुलर शेप यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। इसकी चौड़ाई है 0.7 इंच और लंबाई है 1.5 इंच। अब हमें इसके बीच में एक राउंड शेप ड्रॉ कर लेनी है। जैसे हम गला बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर छोटी सी राउंड शेप मैंने ड्रॉ कर ली है और अब इसे हम काट लेंगे। और ये देखिए, हमारे पास ये पैटर्न बन गया है। अब यहाँ पर मैंने एक कपड़े को फ्यूज़ पेपर के साथ चिपका लिया है प्रेस की हेल्प से और अब हम इस पैटर्न को इसके ऊपर ट्रेस कर लेंगे। इस तरीके से हम पेन या पेंसिल की हेल्प से इस पैटर्न को अच्छे से यहाँ पर मार्क कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम इस तरीके से इस पैटर्न को रखते जाएंगे और निशान लगाते जाएंगे। तो इस तरह से मैंने सभी निशान यहाँ पर लगा लिए हैं और अब हम कपड़े की एक और पट्टी लेंगे और इस पट्टी को भी मैंने फ्यूज़ पेपर के साथ चिपका लिया है। तो इस तरीके से हमें दोनों पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर रखना है और जो हमने पैटर्न पेन की हेल्प से ड्रॉ किया था बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर हमें सिलाई लगानी है। बिल्कुल बारीक बखिए से हमें ये सिलाई लगानी है और जहाँ पर हमने पेन से निशान लगाया है बिल्कुल उसके ऊपर ही हमें सिलना है। इस तरह से ऊपर से हमें इसको खुला रहने देना है, ऊपर की तरफ सिलाई नहीं लगानी है, बाकी दोनों तरफ हम सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए, इसी तरह से हमें सभी शेप्स के ऊपर सिलाई लगा लेनी है और अब हम इन्हें कट करेंगे। तो साइड से बिल्कुल थोड़ा सा हमें मार्जिन छोड़ना है इस तरह से और ऊपर से हमें इसका एक्स्ट्रा कपड़ा काट देना है। ये देखिए, साइड से हमें बिल्कुल भी ज़्यादा मार्जिन नहीं छोड़ना है, सिलाई बिल्कुल बारीक लगानी है ताकि ये निकले नहीं। और इसी तरह से हमें सभी पैटर्न्स को काट के तैयार करना है। अब हम इन्हें पलट के सीधा करेंगे। हमने साइड में बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं छोड़ा था कटिंग करते हुए, इसीलिए इसके अंदर नॉचेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा मार्जिन छोड़ेंगे तो इनकी शेप बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी, तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अंदर की तरफ बिल्कुल पक्की सिलाई हमें लगानी है और मार्जिन बिल्कुल थोड़ा छोड़ना है। तो इस तरीके से हमें इन सभी को बनाकर तैयार कर लेना है और इसके किनारे पर अब हम सिलाई लगा के इसको बंद करेंगे इस तरह से। तो सभी पैटर्न्स मैंने यहाँ पर बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब ट्राउज़र के कपड़े में से मैंने यहाँ पर 7 इंच चौड़ी एक कपड़े की पट्टी कट की है। इस पट्टी की लंबाई आपके ट्राउज़र की चौड़ाई से 4 इंच ज़्यादा आपको लेनी है क्योंकि हमें यहाँ पर पिनटक्स डालने हैं। साइड से मैंने 3.5 इंच का कपड़ा छोड़ दिया है और यहाँ पर हमें इस तरीके से बारीक बारीक पिनटक्स डालने हैं इस तरह से। पिनटक्स के बीच में उतनी दूरी रहेगी जितनी इस पैटर्न की चौड़ाई है। तो इस तरीके से हमें पैटर्न को रखना है और निशान लगा लेना है और अब यहाँ पर हमें पिनटक्स डालने हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो चौक की हेल्प से पहले सीधी सीधी लाइन्स लगा लीजिए और उसके बाद उनके ऊपर पिनटक्स कर लीजिए। पिनटक्स बनाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सभी पिनटक्स बिल्कुल बराबर दूरी पे हों और बिल्कुल बारीक पिनटक्स हमें यहाँ पर बनाने हैं। इस डिज़ाइन में बहुत मोटे पिनटक्स अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये देखिए, इस पट्टी के ऊपर मैंने अच्छे से पिनटक्स कर लिए हैं और अब हम इसको प्रेस कर लेंगे। इस तरह से प्रेस करने के बाद हम इसके ऊपर जिगजैग वाली लेस लगाएंगे। इस तरह की जिगजैग वाली लेस बहुत ही कॉमन है और आपको किसी भी टेलरिंग स्टोर पर बहुत ईजिली मिल जाएगी। इस तरीके से हमें बिल्कुल बीच में हमें इस लेस को रखना है, दोनों पिनटक्स के बिल्कुल बीच में रखना है और सीधी सिलाई लगानी है। और अगर आपके पास इस तरह की लेस अवेलेबल नहीं है तो आप कपड़े की बारीक पट्टियाँ भी बनाकर यहाँ पर लगा सकते हैं या फिर रिबन्स लगा सकते हैं या फिर अपनी पसंद की कोई भी लेस यहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने सभी पिनटक्स के बीच में लेस को अच्छे से लगा दिया है और अब हम एक कपड़े को इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और इसकी किनारी पर सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल आधा आधा इंच मैंने कपड़ा दबाया है सिलाई में और इस तरीके से सीधी सिलाई लगा ली है। अब हम इसको इस तरीके से फ्लैट करेंगे
और इसके ऊपर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल सफाई से बिना खींचे हुए हमें सीधी सिलाई लगानी है यहाँ पर। और अब हम इस तरीके से इसको बीच में से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसकी किनारी पर एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरीके से हमें बिल्कुल सीधी सिलाई यहाँ पर लगानी है। तो ये देखिए, ट्राउज़र के नीचे अटैच करने के लिए ये बॉर्डर मैंने बना दिया है। अब जो हमने हाफ सर्कुलर शेप्स बनाकर रखी थी, उन्हें हम इस तरीके से इस बॉर्डर के ऊपर रखेंगे। इस तरह से हमें इनको रखना है कि जो जिगजैग वाली लेस है वो बिल्कुल इसके बीच में आए। ये देखिए, ऊपर हमें रखते जाना है और सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। अगर आपको इस तरह की हाफ सर्कुलर शेप्स नहीं बनानी है तो आप यहाँ पर फैब्रिक ट्रायंगल्स बनाकर भी लगा सकते हैं। इस तरीके से हमें सभी शेप्स को ऊपर सिल देना है। और अब हमें ये बॉर्डर ट्राउज़र के ऊपर अटैच करना है। तो यहाँ पर ट्राउज़र की कटिंग मैंने पहले से ही करके रखी है। और अब हमें इस तरीके से इस बॉर्डर को ट्राउज़र के ऊपर रखना है कि ट्राउज़र की राइट साइड और बॉर्डर की राइट साइड एक दूसरे को फेस करें। और जो हमने सिलाई पहले ही लगाई हुई थी बॉर्डर के ऊपर, बिल्कुल उसी के ऊपर हमें फिर से सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर हम एक सीधी सिलाई लगाएंगे इस तरह से। बिल्कुल बारीक बखिए से हमें बहुत ही सफाई से यहाँ पर सिलाई लगानी है। और ये देखिए, ट्राउज़र का हमारा ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि अगर आपको इस तरह की हाफ सर्कुलर शेप्स नहीं लगानी है तो आप फैब्रिक ट्रायंगल्स भी यहाँ पर बनाकर लगा सकते हैं, या फिर आप इसके ऊपर डोरी से लूप्स बनाकर भी लगा सकते हैं। और इस तरह की जिगजैग वाली लेस की जगह आप अपनी पसंद की कोई भी लेस यहाँ पर लगा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर एंकर थ्रेड से सीधी सीधी सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं, या फिर आप लेस लगाना बिल्कुल स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिटिंग वाली सिलाई मैंने लगा दी है और ट्राउज़र का ये डिज़ाइन हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो गाइज़, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।